स्टिचिंग के टूल जो आज पढ़ने वाले वो कैसे वर्क करेंगे। तो इसमें टोटल 3 टूल आते हैं, डॉट टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। ठीक है, तो डॉट टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल ये भी सारे अपन मोस्टली जो है फोटोग्राफर लोग जो फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, जो अपन फोटो एक बार कैमरा से क्लिक करने के बाद जब उसको एडिट करते हैं उस समय उस पर जो अपने को ब्राइटनिंग इफेक्ट्स वगैरह देने पड़ते हैं वो अपन इसके थ्रू करते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड को अपने को हल्का करना हो, मतलब ब्लर करना हो टाइप, या फिर थोड़ा सा उसको ब्राइटनेस बढ़ाना हो, या फिर उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो, या फिर अपने को इमेज को कहीं किसी जगह पे थोड़ा सा पार्शली अपने को ब्लैक एंड वाइट करना हो, तो अपन उस समय ये सारे टूल्स का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि फोटोशॉप के अंदर कि किस तरीके से इनका वर्क होता है। देखिए, मैंने एक इमेज ओपन करके रखी है। इस इमेज में अब मैंने एक लड़की का फोटो लिया हुआ है। इसके अंदर मैं अभी सबसे पहले है डॉज टूल। ठीक है, अभी डॉज टूल का काम ये रहता है कि ये ब्राइटनेस बढ़ाता है। मतलब अभी आप देख सकते हो कि जो फोटोग्राफर लोग हैं, कभी आपने देखे होंगे कि आप जब फोटो खींचते हो, मतलब आप जब क्लोजअप साइड फोटो निकालने के लिए आप जाते हो, उस समय पे आप कैसे भी दिखते हो, बट जब हम फोटो लाते हैं वहाँ से, जब वो प्रिंट करके अपने को देता है, उस समय अपन देखेंगे तो पिक्चर बहुत ब्राइट रहती है। एक्जैक्टली वो करता क्या है कि अपने इमेज के ऊपर जितने भी कोई छोटे मोटे दाग है, या फिर वो उसको वो हटा देता है, या फिर आप कोई थोड़े ब्राइट ये थोड़े से हल्के से सांवले से रहते हैं उनको भी वो थोड़ा सा गोरा बना देता है, ऐसा आपने देखा होगा कभी। तो ये सही टूल है। तो अभी ये डॉज टूल है, जिसमें क्या होता है आप ये साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि राइट स्क्वायर ब्रैकेट की बटन इसकी साइज़ कम और लेफ्ट वाली बटन से बढ़ती है, इस तरीके से आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके मैंने इसकी साइज कम ज़्यादा की है। अभी मैं इसका यूज़ करूँगा इस इमेज के ऊपर। तो आप देखिए, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये इमेज अब ब्राइट होने लग गई है। पहले बहुत ब्लैक दिख रही थी, अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा ये ब्राइट हो गई है। ठीक है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये, मतलब पहले ऐसी पूरी ब्लैक थी इमेज, अब अच्छी खासी वो इमेज में अपने को ब्राइटनेस बढ़ गई है। इस तरीके से अपन टॉर्च टूल का यूज़ कर सकते हो। इससे अपन क्या कुछ भी डार्क कलर जहाँ पे है वहाँ पे अपन ब्राइटनेस बढ़ा के उसको फेयर, या फिर बोल सकते कि ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से उस टूल डॉट टूल का यूज़ करना है आपको। ठीक है, अपन देखते हैं नेक्स्ट टूल। जो नेक्स्ट टूल है बर्न टूल, बर्न टूल ये जस्ट अपोजिट रहता है डॉट टूल की से। डॉट टूल में जैसे ब्राइटनेस बढ़ाता है, बर्न टूल में इसके जस्ट नाम से चल रहा है कि बर्न मतलब क्या होता है, जलना। ठीक है, तो वैसे ही अभी ये इमेज पे दिखा था आपको, बर्न टूल यूज़ करता हूँ। देखिए, तो ये जो हेयर है तो आप देखोगे थोड़ा सा थोड़ी सी डार्क होती जा रही है ये इमेज। ठीक है, अगर आप ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा होगी, पर आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको जितना चाहिए उतना ही करना है। ठीक है, तो लिमिटेड करोगे तो वो अच्छा दिखेगा। देखिए, सबसे पहले तो अपनी इमेज ऐसी थी एकदम। ठीक है, इसके ऊपर मैंने यूज़ किया तो देखो तो थोड़ा सा वो उसको ऐसा बोल सकते हैं बर्न हो रही है या फिर काली हो गई है। तो इस तरीके से आपको कोई इमेज पे इफेक्ट डालना है तो आप ये कर सकते हो। इस तरीके से बर्न टूल का काम होता है। देन होता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल में क्या होता है एग्जैक्टली कि ये थोड़ा सा हल्का सा पार्शली ब्लैक एंड वाइट करता है। ऐसे बोल सकते हैं कि पूरी 100% तरीके से ब्लैक एंड वाइट नहीं करता, पर हल्का सा करता है। जैसे अभी ये समझना कि मैंने ये इमेजेस ले रहा हूँ, इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक मेकअप किया हुआ लड़की का फोटो, यहाँ पे उसने आंखों के आसपास एक मेकअप किया हुआ है, एक बटरफ्लाई बनाया है। ठीक है, तो अभी अपन करेंगे क्या कि ये जो आजू बाजू में उसका जो कलर है वो अपन पूरा ब्लैक कर देंगे, सॉरी एकदम पूरा ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। ठीक है, तो मैं जाता हूँ स्पॉन्ज टूल सिलेक्ट करता हूँ। अभी देखिए, अभी उसका स्किन का कलर अपने को चला जाएगा, जस्ट जो रेड कलर रहेगा वही रहेगा, बाकी पूरा इमेज पूरा अपने को ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगा। और ये 100% ब्लैक एंड वाइट नहीं करता, ये आप समझ के चलो ये हल्का थोड़ा थोड़ा ही ब्लैक एंड वाइट करता है। ठीक है, आपने कई बार ऐसी इमेज देखी होंगी जिसमें पूरी ब्लैक एंड वाइट रहती है इमेज,
आपने कभी वीडियो में भी देखा होगा या फोटो में भी देखा होगा कि पूरा ब्लैक एंड वाइट रहती है इमेज, बट कहीं कहीं पे कलर्स रहते हैं। ऐसा कुछ आपको इफेक्ट चाहिए तो देखो, यहाँ पे वही इफेक्ट अभी आ चुका है। यहाँ पे पूरी हर जगह पे ब्लैक एंड वाइट ही है, बट जस्ट उसका लिप्स का कलर और आँखें के ऊपर जो मेकअप बना है वही कलर रह चुका है। इस तरीके से आप कोई भी इफेक्ट अपने इमेज को इसके थ्रू दे सकते हो। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको हल्का सा उसको ब्लैक एंड वाइट करना है, तो वहाँ पे इस टूल का, स्पॉन्ज टूल का यूज़ आप कर सकते हो। इस तरीके से इन टूल का यूज़ आपको करना है। आई होप कि आपको ये तीनों टूल का काम समझ में आ चुका होगा।